हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों, आज का सफ़र होने वाला है गोपेश्वर से और देहरादून की ओर। और क्योंकि मैं अभी घर से लगभग 15 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, और अब मैं गोपेश्वर से यहाँ से गाड़ी पकड़ूँगा। गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन आप आज का मौसम का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और देहरादून के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लुत्फ़ लीजिए इस देहरादून के सुंदर से सफ़र का। अब मैं फाइनली जो चमोली मेन मार्केट है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मेन मार्केट है वो गोपेश्वर है। तो वहाँ पे देहरादून की गाड़ियाँ नहीं लगी थी, इसलिए मैं गोपेश्वर से फिर चमोली की ओर आया, क्योंकि यहाँ पे जो जोशीमठ से और ऋषिकेश तक की गाड़ियाँ यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर 1.5 घंटे से ऊपर होने वाला है और लगातार यात्रियों की गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन जो ऋषिकेश तक की गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। चमोली से यहाँ पे अभी ऋषिकेश तक की गाड़ी मिली है, और इसके बाद देखते हैं कि आगे ऋषिकेश तक का सफ़र कैसा होता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो आजकल बहुत मुश्किल हो चुकी है मिलना। ऊपर से चमोली से नीचे की ओर तो गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर मिलना। आजकल चार धाम की यात्रा के कारण जो रुद्रप्रयाग मार्केट है या अन्य जो सकरी जहाँ पे सकरी रोड है, तो वहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लग रहा है। और चमोली से आते आते तो हमें लगभग 2-3 जगहों पे जाम मिल गया है। दोस्तों, अभी हम लोग तीन धारा में यहाँ पे हम लोगों ने दिन का जो भोजन किया है, क्योंकि लेट तो हमें चमोली ही हो गई थी, इसलिए हम लोग चमोली से ही अपना लेट निकले, यानी 11:30 बजे करीब निकले। तो यहाँ पे अभी रुके तो हम तीन धारा में, और यहाँ का जो मौसम है अभी इसके बाद बारिश का लग रहा है कि बारिश जैसी। नदी देख रहे होंगे, ये अलकनंदा नदी है, जो कि आगे जो देवप्रयाग में वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम हुआ था, इसके बाद इसका नाम अभी भी अलकनंदा ही रखा जाता है। और जो ये आगे बढ़कर हरिद्वार में जाकर गंगा बन जाती है। तो आजकल जो ये नदी का पानी है वो बर्फ़ पिघलने के कारण और बरसात के कारण पूरा मिट्टी मिट्टी जैसा हो रखा है, नहीं तो यह पानी बहुत ही क्लियर और स्वच्छ रहता है। तो बरसात में जगह जगह से पहाड़ वगैरह टूटने के कारण ये नदी का पानी का जो कलर है वो आजकल इस प्रकार हो रखा है। जब आप पहाड़ों से और नीचे मैदानों की ओर आते हैं, तो आपको अगर इस प्रकार का जाम दिखाई देता है तो आप ये सोचते होंगे कि मैं किस मुसीबत में पहुंच गया हूँ। सेम वही कंडीशन मेरे साथ भी हुई है। इतनी गर्मी हो रही है, ऋषिकेश से लगभग अभी 2-3 किलोमीटर पीछे हैं हम ब्यासी के करीब, तो यहाँ पर पूरा 1-2 घंटे से जाम लगा हुआ है, जिसमें कि हालत हो गई है ख़राब।
अभी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे जाम आगे बढ़ रहा है, तो देखते हैं आगे कब तक पहुंचते हैं ऋषिकेश। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग फाइनली 7 बजे करीब शाम को ऋषिकेश जो मेन बस अड्डा है वहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ से हम लोगों ने देहरादून के लिए गाड़ी पकड़ ली। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है पहाड़ों से और मैदानों की तरफ, फिर आपको मैदानों से और पहाड़ों के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।